हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज द रियल पार्ट ऑफ e to the power आई थीटा इज। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। यूलर फॉर्मूला जो कि होता है ई टू द पावर आई थीटा, अगर हमें गिवन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमें यहां पर गिवन है e to the power आई थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e to the power जो आई थीटा है उसको हम लोग क्या लिख लेंगे यूलर फॉर्मूला से, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि e टू द पावर आई थीटा की वैल्यू यही होती है। अब देखिए इसको अगर हम लोग ब्रेक कर लें, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सिमिलर हो तो पावर एड हो जाती है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर कॉस थीटा इंटू ई टू द पावर आई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ई टू द पावर कॉस थीटा तो ऐसे ही बाहर लिख लेंगे, और यहां पर फिर से यूलर फॉर्मूला लगा दें अगर, क्योंकि यहां पर है ई टू द पावर आई साइन थीटा, तो यहां पर थीटा की जगह कितना आ जाएगा पूरा साइन थीटा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा, और थीटा की जगह पे कितना है साइन थीटा, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें केवल रियल पार्ट बताना है, तो इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा, देखिए एक तो आ जाएगा ये ई टू द पावर कॉस थीटा पहले से ही मल्टीप्लाई में है, और ये इसका रियल पार्ट है, तो इंटू में कितना आ जाएगा कॉस ब्रैकेट में साइन थीटा। ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।